अहम खबर शामिल करें। गवर्नर पंजाब के लिए सलीम हैदर खान का नाम फाइनल। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सलीम हैदर खान को गवर्नर पंजाब बनाने का फैसला। गवर्नर पंजाब के लिए नामजद होने वाले सलीम हैदर खान का ताल्लुक अटक से है। अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। गवर्नर पंजाब के लिए सलीम हैदर खान का नाम फाइनल कर लिया गया है। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन बताइए। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार सलीम हैदर खान को गवर्नर पंजाब तैनात करने का फैसला किया है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन के सदर और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जो है वो अहम रब्ता भी हुआ है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से उनको भी बकायदा कर दिया गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के इंतहाई अहम कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर यह फैसला कर लिया गया है कि सलीम हैदर का ताल्लुक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पुराने कारकुन भी रहे और रहनुमा भी थे। अब इस वक्त तो ये फैसला किया गया है कि अटक से ताल्लुक वाले जो सेक्शन पड़ता है NH-59 से 2008 में मुंतखब हुए थे, जिसके बाद 2013 तक गया ये नेशनल असेंबली रहे। अब इनको गवर्नर पंजाब बनाने का बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया गया है और सरदार सलीम हैदर खान जो है वो आइंदा गवर्नर पंजाब होंगे और इसके लिए बाकायदा तौर पर जो असेंबली का प्रोसेस है आइंदा 10 दिनों में कर दिया जाएगा, जिसके बाद बाकायदा तौर पर ये अपना जो है वो जिम्मेदारियां भी संभाल। जी ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका।